हेलो दोस्तों, तो कैसे हम बात करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर फाइनल एग्जाम इन क्लास एट्थ कि अगर आप क्लास एट्थ में हो तो कैसे आप अभी से अपने फाइनल एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो और उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो क्लास एट्थ सबसे आसान है, आप आराम से जस्ट कुछ मेहनत करके ही 90% ले आओगे, अपने क्लास टॉपर को भी बीट कर दोगे। बट प्रॉब्लम यह है कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं, अगर आप पढ़ोगे नहीं तो मार्क्स नहीं आएंगे। बस थोड़ा सा एफर्ट लगाना है, वो जो एफर्ट है वो मैं बताऊंगा कि करना क्या है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो पहला पॉइंट है कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। बट अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो क्या करना चाहिए, तो सिंपल है, सारे सब्जेक्ट की बात करेंगे। साइंस की अगर बात करें तो साइंस में आपकी स्कूल की एक नोटबुक बनी होगी, तो उसके क्वेश्चन आंसर अभी से याद करना स्टार्ट कर दो। समझ में आ रहा है, अच्छी बात है, समझ में नहीं आ रहा है टीचर से पूछ लो। वो छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर्स ऑनलाइन सर्च करो, यूट्यूब पर लेक्चर मिल जाएगा, समझ में आ जाएगा। और चेक करो ऑनलाइन शॉर्ट है या फिर आपकी नोटबुक में शॉर्ट है, जहां पर शॉर्ट लिखा हुआ हो उसी को ही याद कर लो। ठीक है, उसके बाद जो भी आपके यूनिट टेस्ट में, मिड टर्म में जो भी आपके क्वेश्चन आंसर टीचर ने आपको दिए थे उस चैप्टर से रिलेटेड, उन सबको भी याद कर लो। अगर इतना कर लोगे साइंस के अंदर, आराम से आपके अच्छे मार्क्स आएंगे और आप बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। ठीक है, उसके बाद सेम यही कहानी एसएसटी की, सेम यही इंग्लिश हिंदी के लिए करना है कि जो भी स्कूल नोटबुक है उसी के ही क्वेश्चन आंसर अच्छे से याद कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर याद कर लो, यूनिट टेस्ट के क्वेश्चन आंसर याद कर लो। इतना कर लोगे मार्क्स बहुत अच्छे आने वाले हैं। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम आती है मैथ्स पे कि मैथ्स पे क्या करना है। तो मैथ्स का सिंपल सा रूल है कि मैथ्स अकेले नहीं हो पाती है। अगर आपने पूरे साल मैथ्स करी है अच्छे से तो आपके लिए आसान होगा रिवीजन करना, बट अगर आपने करी ही नहीं है मैथ्स, इसमें आपको क्या करना है, आपको कहीं भी किसी टीचर के पास चले जाना है। चाहो तो इन लास्ट के टाइम पे कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको टीचर थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर ले, या फिर कोई ट्यूटर हायर कर सकते हो। और अगर इतना नहीं कर सकते तो यूट्यूब पर लेक्चर देख सकते हो, क्योंकि आपको मैथ्स खुद समझ में नहीं आएगी, चैप्टर बाय चैप्टर समझते जाओ। और ये करना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप क्लास एट्थ की मैथ्स इग्नोर कर दोगे, उसको बिना पढ़े चले आओगे, तो क्लास नाइन्थ में वो बहुत परेशान करने वाली है आपको। लेकिन अगर अभी से पढ़ के जाओगे तो क्लास नाइन्थ में बहुत ईजी रहेगी। तो ये आपके ऊपर है, आपको पढ़ना पड़ेगा तभी आपको क्लास नाइन्थ में वो ईजी लगेगी। ठीक हो गया, उसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, जो कि है रिवीजन। रिवीजन ईच एंड एवरी टॉपिक एटलीस्ट टू टाइम्स, जो भी आपने क्वेश्चन याद किया है उसको दो बार रिवाइज कर लो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है जो है प्रैक्टिस डायग्राम्स। डायग्राम के प्रैक्टिस करो जितने साइंस के अंदर है, उसके साथ साथ फॉर्मूलाज भी याद करो जितने मैथ्स के अंदर है और साइंस के अंदर है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रैक्टिस फॉर गुड प्रेजेंटेशन, यानी कि अगर आपने याद कर लिया है पूरे क्वेश्चन आंसर्स को तो उसको एक बार लिख कर भी देखो, क्योंकि एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा और जितना अच्छा एग्जाम में लिखोगे उतना अच्छा आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ज़रूर से आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है लिखने की। लास्ट पॉइंट जो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो ये कम टाइम बचा है इसको आपको अच्छे से मैनेज करने पड़ेगा। तो लास्ट पॉइंट इज वर्क ऑन टाइम मैनेजमेंट और मेक अ टाइम टेबल। तो आपको एक टाइम टेबल फॉलो करना पड़ेगा जिससे आप अपनी स्टडी को अच्छे से कर पाओ। मैंने काफ़ी सारे टाइम टेबल ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, आप उनमें से कोई सा भी देख सकते हो, जो आपको पसंद आए उसको फॉलो कर सकते हो और उसको फॉलो करके आप अच्छा स्कोर भी कर सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो, होप आपको समझ में आई होगी। समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में जरूर सब्सक्राइब भी कर देना। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो ताकि मैं उस वीडियो बना पाऊँ। तो मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड पीस।